महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बल्लार शाह रेलवे स्टेशन पर पुराना फुट ओवर ब्रिज मरम्मत के लिए बंद किया गया है और 6 महीने होने के बावजूद मरम्मत का काम कछुआ गति से चल रहा है, जिसके कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ये ब्रिज बंद होने के कारण ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में आज एक युवक ट्रेन के नीचे से होकर पटरी पार करते हुए 3 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा था। जब वो ट्रेन के नीचे से निकल रहा था तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में मृत युवक के पास से आधार कार्ड मिला। उसके मुताबिक उसकी पहचान 35 वर्षीय विनोद प्रभुदयाल रामपुर वधाम मध्य प्रदेश के तौर पर हुई है। रेलवे प्रवासी संघ द्वारा बार बार इस ब्रिज को शुरू करने की मांग के बावजूद भी रेल प्रशासन इस ओर अनदेखी कर रहा है। जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी यानी ZRUCC के सदस्य श्रीनिवास सुंचवार ने कई बार रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्राचार कर इस ब्रिज को शुरू करने की मांग की थी, फिर भी रेलवे प्रशासन इस ओर उदासीन ही नजर आ रहा है। अब इस घटना के बाद रेल प्रशासन को इस घटना का जिम्मेदार होने का आरोप लगाया जा रहा है। अगर सही समय पर ब्रिज की मरम्मत का काम पूरा कर शुरू किया जाता तो आज एक युवक की जान बच जाती। याद हो कि ये वही फुट ओवर ब्रिज है जिसका 6 महीने पहले ही एक हिस्सा ढहने के कारण ब्रिज पर खड़े यात्री 60 फुट नीचे पटरी पर गिरे थे और एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी तो वहीं 20 यात्री बुरी तरह घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद आनंद फानन में निर्माणाधीन दूसरे नए फुट ओवर ब्रिज को युद्ध स्तर पर बनाया गया था, लेकिन ये नया ब्रिज स्टेशन के आखिरी छोर पर है, इसलिए यात्रियों को सामान उठाए लंबा रास्ता तय कर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। यात्री परेशान होकर मजबूरन पटरी पार करते हुए जान जोखिम में डालकर प्लेटफॉर्म तक जाते हैं। इस घटना के बाद रेल प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और मांग की जा रही है कि अब तो रेल प्रशासन जागे और जल्द इस ब्रिज का काम पूरा कर यात्रियों के लिए शुरू करे। बल्लासा स्टेशन 1 नंबर पर FOV पिछले जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद आज तक बंद पड़ी है, जिसके कारण यात्रियों को नागपुर एंड के पास जाने के लिए काफ़ी दिक्कत करती है। वृद्ध लोग, पेशेंट लोग, उनको जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर जो पुरानी FOV है आज भी उसका शुरुआत नहीं हो पाया, पिछले 2 महीने से काम बंद पड़ा है, अभी भी धीमी गति से काम चालू है। पत्राचार हमने 3-4 बार किए, उसका रिप्लाई भी नहीं दिया और FOV का काम भी शुरू की नहीं गई। ये रेल प्रशासन की जो इनकी नाकामा भी है, इस वजह से आज एक दुर्घटना हुई जिसमें एक यात्री का 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर उस 4 नंबर पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, मालगाड़ी चालू हुई उसके अंदर उसका दुर्घटना निधन हो गया। FOV अगर शुरू रहता था शायद वो मालगाड़ी नीचे से नहीं जाता था। FOV बंद होने के कारण वो गाड़ी पकड़ने के लिए नीचे से गया और उसी समय मालगाड़ी शुरू होना और उसका दुर्घटना निधन होना रेल प्रशासन की जिम्मेदारी है पूरी। FOV तुरंत शुरुआत करा के जो सुविधा पहले दी गई थी वो सुविधा शुरू होनी चाहिए। NBCN न्यूज़ के लिए बल्लारपुर से सुनील ताड़े की स्पेशल रिपोर्ट।